क्वेश्चन 5 लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.2 देख रहे थे कल तक है ना, और उसमें 1 to 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, सही है? अरे बोलो भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा फोर्थ वाला है ना, पैटर्न सेम ही क्वेश्चन का। व्हाट शुड बी एडेड टू 12 3/5, तो फॉलो करो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बस उसे फॉलो करो। तो 12 3/5 में हम ऐसा क्या ऐड करें वो पूछ रहा है हमसे, कि आंसर आ जाए हमारा 20/20 या फिर 20/1 आंसर आ जाए, ठीक है ना, ये पूछ रहा है हमसे। तो चलो इसे y मान लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 63/5 देगा आपको, देन फर्दर ऑन ये 20 तो है ही, अपॉन 1 कर दो, और वेरिएबल को करेंगे सेपरेट, y को कर यहीं रहने देंगे और 63/5 को उठा करके वहाँ फेंक देंगे, तो हम कर पाएंगे आगे सिंप्लीफाई। तो y हो सकता है ये होल नंबर आए, हो सकता है कुछ नेगेटिव इंटीजर आए, हो सकता है कुछ फ्रैक्शन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बस पूछा, इतना पूछा है कि क्या ऐड करें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कि हमें 20 आंसर मिल जाए, है ना। और अगर ऐसे बोला जाए कि हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा क्या ऐड करें कि होल नंबर मिल जाए एक, तो चलो कर देते हैं सॉल्व। नीचे बन जाएगा 5 LCM, ऊपर बन जाएगा 20 × 5। किसी को डाउट है ऊपर 20 × 5 क्यों आया? नहीं बोल रहे हो, मतलब कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। तो y इक्वल टू बन जाएगा, बोलो कितना, 100 100 - 63 × 5, जल्दी बोलो। नहीं 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 63 × 1 आएगा, 63 × 1, तो ये 100 बन जाएगा -63, 37 देगा आपको, 37/5। और इसको मिक्स में कन्वर्ट करना चाहो तो कर दो, तो ये 6 देगा, नहीं देगा ये 7 देगा, और 2/5 देगा, मतलब कि 12 3/5 में आप 7 2/5 ऐड करिए तो 20 मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ से एक चीज़ निकल करके आ रही है हमारे पास कि दो फ्रैक्शन को, ये जो दो कॉम्प्लिकेटेड से फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे भी तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको होल नंबर मिल जाए, है ना। कॉपी करिए इसे, किसी भी स्टेप में कोई डाउट, किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, समझ नहीं आया, कहां से नहीं आया, कहां से नहीं आया सर, ये समझ नहीं आया क्या कितने, क्या कितने यहां से यहां तक पहुंचे, ये समझ आया? नो सर, ये समझ नहीं आया। तो क्या कर क्या रहे हो कब से, फिर अब आ गया पूरा समझ में आ गया? नहीं, यहाँ तक आ गया। हाँ। ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, ये आपको समझ में आ गया। उसने पूछा है कि हम ऐसा क्या ऐड करेंगे इसमें, तो हमने उसको y मान लिया, अब जो भी वैल्यू आएगी फ्रैक्शन की, नंबर की, होल नंबर की, वो y के इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि आंसर होने वाला है। आपने लास्ट में क्या लिख रखा है, 7 2/5, ठीक है ना, और 20 के बराबर होना चाहिए, मतलब कि ये जो नंबर हमें निकालना है और 12 3/5 को ऐड करेंगे तो 20 आंसर आना चाहिए। ओके सर, यहाँ तक ठीक है। हाँ ऐसा ही है, ठीक है ना। अब हमें पता होना चाहिए भाई कि 63/5 को उठा करके वहाँ फेंक देंगे हम तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ जो प्लस का होता है, ट्रांसपोजिशन नहीं पता है क्या तुम लोगों को? ट्रांसपोजिशन रूल बोलता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर c है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें b को उठा करके उस साइड फेंकना है, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, अगर हमें उठा करके b को उधर फेंकना है तो c माइनस बी हो जाएगा, मतलब कि साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। और अगर मान लो कि a माइनस बी इज इक्वल टू सी अगर होता, तो अगर माइनस का बी यहाँ है तो वहाँ जाकर के प्लस का हो जाता, ऐसा समझ में? नो सर। तुम लोगों को ट्रांसपोजिशन नहीं पता है, चलो जो भी है
कैसे होता है ये देखो ध्यान से, क्या होता है यहाँ पे, ए माइनस बी है तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगाया ना, तो दोनों तरफ प्लस बी कर दो, तो माइनस बी और प्लस बी किया तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू सी प्लस बी है ना। डाउट कहाँ आ रहा है मुझे, तो ये समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आता है सर, ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा है ना। सर आपने जो लिख रखा है y is equal to 20 upon 1, 20 upon 1 कैसे आया यार तुम लोग, 20 क्वेश्चन में गिवन है, 20 क्वेश्चन में गिवन है और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तुमने 1 लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी उसमें? नहीं सर प्रॉब्लम नहीं सर, उसे मतलब बीच में लाना है इसलिए लगा दिया 1, क्योंकि यहाँ करेंगे हम कैलकुलेशन, तो नीचे 5 रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर सिर्फ 20 रखा होता तो नीचे कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए ना, एलसीएम लोगे किसका, इसलिए 1 लगा दिया ताकि 1 और 5 का एलसीएम लेकर के आगे प्रोसीड कर पाओ। ओके सर, और किसी को डाउट जैद हुसैन जी के अलावा, क्या समझ नहीं आ रहा है पहले ये तो कन्फर्म करवाओ कि ये समझ नहीं आ रहा है या ये समझ नहीं आ रहा है सर, क्यों ये समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को, ट्रांसपोजिशन नहीं पता है सर, तो फिर ये यस सर, ये समझ नहीं आ रहा है, फिर से देखो। एक्सक्यूज मी सर, सर उधर जो आपने वो किया था ना, वो ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, तो सी माइनस बी इज इक्वल्स टू ए होएगा ना, फिर से बोलो यार, तुम बोलो वापस से, a माइनस बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है तो तुम कहना चाह रहे हो कि b को उठा करके वहां फेंकेंगे तो c माइनस बी इज इक्वल टू a होना चाहिए, ऐसा? यस मैम, सर आपने ऐसे लिखा था ना पहले, तो c माइनस बी इज इक्वल टू a बन जाएगा, समझो बात को, अगर माइनस का भी यहाँ रखा हुआ है तो अगर ये चाहता है कि मुझे लेफ्ट से उठा करके राइट में फेंक दो तो साइन चेंज करके फेंकना पड़ेगा, और अगर मान लो a प्लस का होता, सॉरी बी प्लस का अगर यहाँ होता, जैसे साइन जो लगा हुआ है वो बी का साइन है ना, ये प्लस बी, तो वहाँ अगर कूद के जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हम ए प्लस बी को यहीं रहने देंगे और सी जो है उठ करके यहाँ जाएगा, तो सी यहाँ प्लस का रखा हुआ है तो माइनस का सी इज इक्वल टू कुछ नहीं, तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। नहीं सर, वो सी माइनस बी इज इक्वल टू ए, सी माइनस बी इज इक्वल टू ए यहाँ, सही है ये, यहाँ से ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, प्लस का भी है उठा करके वहां फेंकोगे तो माइनस का भी बन जाएगा। यस मैम, यस सर, तुम होगे मैम, ठीक है ना, तुम लोग क्या कर रहे हो समझ नहीं आता, तुम लोग घर पे पढ़ते तो हो नहीं और यहाँ के तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था होमवर्क करके आना, आज फिर कोई होमवर्क करके नहीं आया, तो क्योंकि तुम लोगों ने पहले से अटेम्प्ट किए हुए है ही नहीं ये क्वेश्चन, तो कैसे तुम लोगों को, अगर तुम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते तो लाइकवाइज यहाँ पे रिवीजन हो रहा होता तुम्हारे खुद के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, है ना। अब तुम लोग क्वेश्चन पहली बार तो बोर्ड पे देख रहे हो तो कुछ नया सा लगेगा, तो ऑब्वियसली एक बार में तो क्लियर होगा नहीं, अगर अटेम्प्ट करके आते तो यहाँ पे कुछ फैमिलियरिटी होती क्वेश्चन से तो आसानी से सॉल्व कर पाते उसे, नहीं करके आए होंगे तो मत करके आओ, मस्त रहो, फिर मैं जा रहा हूँ आगे। सिक्स क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23/4, अब ध्यान रहे तुम लोग कल वाली गलती करोगे कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम 23/4 का मतलब हो गया 23/4 से ऐसा क्या माइनस करें हम कि हमारा आंसर आना चाहिए 10 1/2, तो लेट दैट नंबर व्हिच वी हैव टू फाइंड बी जेड, मान लो इस बार या जेड फिर 2 की तरह लगेगा, सो वाई रहने दो, वाई माइनस, और ये कितना हो जाएगा 83 डिवाइडेड बाई 4 इज माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बोलो कितना 21/2, यहां तक कोई डाउट? यहां माइनस का वाई रखा है, हमें हमें प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है ना, हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमने वाई माना है ना कि माइनस वाई माना है, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो तुम, वाई
इक्वल टू 83 बाय 4 प्लस 21 बाय 2। गलत है। हम क्या करेंगे, 83 बाय 4 को तो यही रहने देंगे, y को उठा करके वहां फेंकेंगे, 21 बाय 2 को यहां फेंकेंगे, तो माइनस का 21 बाय 2 इज इक्वल टू y आएगा। यही बोल रहे थे क्या तुम भी? तुमने प्लस बोला था, तुमने प्लस बोला था ना यहाँ पे, तो प्लस नहीं होगा क्योंकि 21 बाय 2 यहाँ प्लस का है, उठ करके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y यहाँ माइनस का है तो उठ के वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कर दो सॉल्व इसे, एलसीएम लोगे तो ये 4 देगा आपको, और फिर ऊपर कितना देगा, 83 इंटू 1 4 बाय 4 माइनस 21 इंटू कितना 4 बाय 2 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, 83 इंटू 1 83 माइनस 21 इंटू 2 होता है 42, 83 माइनस 42 41 बाय 4, ये है y की वैल्यू। अब इसे चाहो तो कन्वर्ट करोगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो देगा 10 1 बाय 4 आपको। चाहो तो इसे यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो मिक्स में कन्वर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लिया ना कॉपी? कुछ नहीं बोल रहे मतलब, कर लिया कॉपी? 7th क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित स्पेंड 2/5 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन ए साइंस फिक्शन बुक, 1/6 ऑन ए न्यूज़पेपर एंड 2/15 ऑन रिक्रिएशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी इज लेफ्ट? तो लेट पॉकेट मनी बी 1। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फ्रैक्शंस आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है। तो मान लो कि लेट मनी या पॉकेट मनी, लेट टोटल पॉकेट मनी भी 1। लेट टोटल पॉकेट मनी भी 1। तो साइंस फिक्शन बुक का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मनी ऑन साइंस बुक ये दे रखा है आपको कितना, 3/7 नहीं 2/5, 2/5 और किसका दे रखा है, टोटल मनी का 2/5 पार्ट, तो 2/5 इंटू 1 तो ये 2/5 दे देगा आपको। ठीक है ना, टोटल मनी का 2/5 पार्ट है तो वो 2/5 ही रह गया, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 लिया है, नहीं तो कोई दूसरा नंबर लोगे अज्यूम करोगे तो फिर वो कैलकुलेशन पार्ट बढ़ेगा आपका, इसलिए 2/5 इंटू 1 किया सिर्फ, तो 2/5 मनी ऑन न्यूज़पेपर, मनी स्पेंट ऑन न्यूज़पेपर इज 1/6 इंटू 1 अगेन 1/6। लास्ट पार्ट है यहाँ पे, मनी ऑन रिक्रिएशन, रिक्रिएशन पता नहीं कोई इवेंट है या फिर बुक है, जो भी है लेकिन यहाँ पे खर्च हो रहा है पैसा, तो कितना हो रहा है वो 2/15 ऑफ 1। ठीक है ना, लेकिन उसने बोला कि मनी लेफ्ट, तो मनी लेफ्ट कितना होगा, टोटल मनी माइनस जितना मनी खर्च कर दिया हमने, तो बस मनी लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस, टोटल मनी माइनस मनी स्पेंट, यही होने वाला है ना, दिख रहा है ना पूरा? ठीक है, तो वो हो जाएगा टोटल मनी कितना माना हमने 1 माइनस, तो मनी स्पेंट भी निकालो टोटल पहले, 2/5 हो जाएगा प्लस 1/6 प्लस 2/15, ये फाइनल कैलकुलेशन है और वो आंसर होगा हमारा, तो ये हमारा आंसर होने वाला है 1 माइनस, किया किसी ने 2/5 प्लस 1/6 को कर दो पहले, करोगे
तो 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, 30 ऊपर जाएगा 2 के साथ में 6 और 1 के साथ में 5, तो ये देगा आपको 17, ठीक है ना। ये बनेगा 12, ये बनेगा 5, और 17/30 देगा आपको, ये करके देख लेना। प्लस 2/15, एक बार के लिए आगे चलते हैं फिर वाले पीछे आ जाएंगे। तो आंसर आएगा 1 माइनस 30 और 15 का एलसीएम 30, ऊपर 17 ही रहने वाला है, या इंटू 1 कर दो, माइनस 2 इंटू 2, 1 माइनस 17 माइनस, नहीं माइनस की प्लस होगा, और 17 प्लस 4 21/30। इसे माइनस करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, 21/30 को कन्वर्ट कर दो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, तो ये बनेगा 7/10। 3 इसका कॉमन फैक्टर है, अब करोगे सॉल्व इसका, तो 10 माइनस 7 अपॉन 10, 3/7, मतलब टोटल मनी का 3/7 फ्रैक्शन अभी बचा हुआ है खर्च करने के लिए। किसे समझ में नहीं आया? दो सर मुझे। पीछे पीछे, हाँ पीछे कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क नहीं सर करके समझ आए तो उम्मीद नहीं मत आया, करो कि बार बार चीज रिपीट होगी यहाँ पे। समझ नहीं आया। हाँ तो होमवर्क क्यों नहीं करके आए फिर? तो जाओ, ये सारे सॉल्यूशंस तो है ही आप लोगों के पास में रिकॉर्डिंग में, आज जाकर के खुद ही अटेम्प्ट करो और पहले सॉल्यूशन देख लेना, और फिर समझ में नहीं आता तो फिर कल की रिकॉर्डिंग में पूछना, कुछ नहीं हो सकता। पहले 10 बार नहीं समझाया था क्या? फिर होमवर्क डेली बेसिस पे करना शुरू कर दो, तभी क्लैरिटी होगी। तुम लोग अपने एफर्ट्स नहीं दे रहे हो तो फिर टीचर से क्यों उम्मीद करोगे वो भी अपने एफर्ट देगा? मत करो ये होमवर्क करना, तो कॉपी कर लो बस, इतना इतनी मेहरबानी करो। सर 17/30 प्लस इसके बाद क्या लिखा है? 2/15 कॉपी करने में एक्सपर्ट हो ही तुम लोग, वैसे भी करो जल्दी से। चलिए वाला पेज कर लो। एक सेकंड, इतना पीछे वाला पेज। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही, लिखो इसे जल्दी से। वो 17/30 कैसे आया? 17/30 कैसे आया? कहाँ पे? पीछे? यस सर। ये इन दोनों को ऐड किया, इनका डिवीजन करके ऐड करा क्या? डिवीजन कैसे करते हैं? फ्रैक्शन को ऐड करना नहीं आता तुम्हें? नो सर। तो फिर मस्त रहो, नहीं आता तो कल की रिकॉर्डिंग चेक क्यों नहीं की थी? सर हम देख लेंगे आजकल की रिकॉर्डिंग। हाँ तो आज देख लेना और फिर पूछ लेना अगर नहीं आता है तो। ये कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? नो सर हमने क्या? जल्दी वाला शॉट करो इसको। सर एक बार पीछे वाले पेज पे जाना। नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन तो हो गया, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन बोलता है कि जया ट्रेवल्स 3/7 ऑफ हिज जर्नी बाय कार, 4/21 बाय साइकिलिंग एंड रेस्ट ऑन फुट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज जर्नी वाज कवर्ड बाय फुट। ठीक है ना, तो मान लेते कि ये जर्नी है, टोटल जर्नी, ये हमारी पूरी जर्नी है। हाँ बनाना है इसका 3/7 पोर्शन है, मान लो ये टोटल जर्नी है, ठीक है ना, और 3 टुकड़े कर रखे उसके, और ये वाला जो पोर्शन है 3/7, मान लो ये फ्रैक्शन है, ये 3/7 कम ज्यादा हो सकता है, बाय कार है, और ये वाला जो पोर्शन है 4/21 ये बाय साइकिलिंग, और ये वाला पोर्शन हमें निकालना है, और ये बाय फुट है, मतलब कि
साइकिल से उसने इतना कवर पोर्शन कवर किया, और सबसे पहले उसने कार से कवर किया, थ्री बाय सेवन पोर्शन, ठीक है करेंगे ना। और फिर पूरा ग्राम निकालने के जो लिए। फुट वाला जो फ्रैक्शन है वो हमें निकालना है, ठीक है। ठीक है ना, हाँ नहीं भी ठीक है, तो आगे तो बढ़ना है ही, ये इस तरीके से टोटल जर्नी ये है। तो मान लो कि लेट टोटल जर्नी भी वन, लेट डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी बी वन, तो बाय फुट वाला पोर्शन निकालना है या फिर वो वाला फ्रैक्शन निकालना है। तो जर्नी बाय फुट हो जाएगा, बोलो कितना, मत बोलो नहीं बोलना, तो ये 3/7 हो जाएगा प्लस ये 4/7 हो जाएगा, यही दिया है ना, 3/7 प्लस 4/7, अच्छा 4/21 है, इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये 1 माइनस देगा आपको, नीचे 21 देगा, ब्रैकेट तो है ही, 3 इंटू इस बार 21/7 बोलो कितना, 3। जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करना नहीं आता, फ्रैक्शन को प्लस माइनस नहीं करना आता, वो कल की रिकॉर्डिंग जरूर से चेक कर लेना, और ये 4 इंटू 1 देगा, और फिर भी नहीं करना तो मत करो। 1 माइनस 3 इंटू 3 होता है 9 प्लस 4, 13/21 देने वाला है, और इसे सॉल्व करोगे, अब देखो 1/1 लिखा हुआ ही है, फिर बोलोगे नीचे 1 क्यों लिया, ताकि एलसीएम ले सके डिनोमिनेटर का, इसलिए 1 ले लिया। अभी आपको 8/21 देने वाला है, और 8/21 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 8/21 दिख रहा है ना नीचे तक। एक्सक्यूज मी सर, हम इस 8 क्वेश्चन के अंदर हम फुल निकालने के लिए क्या करेंगे, फुल कितना है उसको निकालना, फिर से पूछना क्या फुल निकालना है, क्या फुल निकालना है सर, मतलब सर ये सर ये एट क्वेश्चन के अंदर सर फुल कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं देखो वो अभी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। मान लो कि जर्नी हो सकती है 1000 मीटर की, जर्नी हो सकती है 10,000 मीटर की, ठीक है ना। मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी भी हो, टोटल डिस्टेंस का 3/7 पोर्शन, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि टोटल जो जर्नी है ना, टोटल जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, मान लो 100 मीटर है, तो उसने बोला है कि 3/7 ऑफ 100, तो उसने कवर किया है किससे, कार से, और साइकिल से उसने क्या कवर किया है, 4/21 पोर्शन, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके जो आ रहा है 8/21 बच रहा है, 8/21 इंटू 100 करोगे तो वो फुट वाला पोर्शन आ जाएगा। अब वो डिस्टेंस, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर 100 होगी तो यहाँ 100 रखा आपने, यहाँ अगर मान लो 500 किलोमीटर होता तो 500 किलोमीटर, तो वो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन निकालना है हमें, वो हर केस में सेम आने वाला है। टोटल डिस्टेंस आप कितनी भी लो लेकिन करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन तो सेम आएगा ना। ओके सर। ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है जितने यहाँ पे लग रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है कि इन पैटर्न के क्वेश्चन से आप लोग पहली बार डील कर रहे हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जब एक बार कह दिया कि होमवर्क डेली बेसिस पे करो, वरना चीजों की क्लैरिटी आसानी से नहीं होगी, तो तुम लोगों से फॉलो नहीं हो रहा है, तो तुम लोग अगर लेजीनेस के शिकार हो तो फिर हम भी हमारे एंगर के शिकार हैं, कुछ नहीं हो सकता। फिर होमवर्क करो जा करके पहले, और फिर रिकॉर्डिंग चेक करो, फिर बाद में बात करेंगे। ये हुआ ना कॉपी? Yes, sir. कुछ नहीं बोल रहे, मतलब हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन, इन ए बोर्डिंग स्कूल 2/3 ऑफ चिल्ड्रन आर इन प्राइमरी सेक्शन, 3/10 आर इन मिडिल सेक्शन, एंड रेस्ट आर इन सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इज इन सेकेंडरी सेक्शन, ये पूछा है। तो बस प्राइमरी 5th क्लास तक की बात कर रहा है, मिडिल 6, 7, 8 की बात कर रहा है, और सेकेंडरी 9, 10 की बात कर रहा है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 1, फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, तो लिख दो चिल्ड्रन इन सेकेंडरी, मान लो कि वही टोटल हम हमेशा 1 मानेंगे, और आप भी अदर डाल लो कि 1 ही लो उसे, अनलेस अंडिल क्वेश्चन में गिवन ना हो कि टोटल जो है आप उसको 3 मानो या 30 मानो या 40 मानो,
ठीक है ना, आप लोग वन मानो और वन में से करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन माइनस करो या जो भी मैनिपुलेशन करना है करो, तो वन ही टोटल लेकर के चलो हमेशा। वन माइनस पहला फ्रैक्शन दे रखा है जो प्राइमरी सेक्शन में, वो है 2/3 वन का ही, प्लस 3/10। ये वन माइनस सॉल्व करो इसे, ये 30 एलसीएम देगा आपको, 30/3 10 देगा, प्लस 30/3 हो जाएगा, 30/10 हो जाएगा 3। ट्वेंटी प्लस 9 सही है गलत है, 20 देगा 9 देगा सही है, और फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास 1/30। सॉल्व करके देखो एक बार, लास्ट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्हें गार्डन 1/5 ऑफ द लैंड, कर लिया ना पहले का, पहले वाला एटलीस्ट कॉपी तो कर ही लो, समझ में आए ना आए, और वो तुम्हारा पहला काम है ही, एग्जाम रट्टे मार के आना फिर, ठीक है ना, मत समझो। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है कि ना गार्डन 1/5 ऑफ द लैंड, माइक बंद कर दो अभी के लिए जिसके भी ऑन है, इन अ गार्डन 1/5 ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर फ्लावर्स, 2/7 फॉर जॉगिंग ट्रैक एंड रेस्ट एज ओपन लैंड। चलो मान लो कि डायग्रामेटिकली समझते इसको एक बार, मान लो कि ये टोटल गार्डन है, पूरा गार्डन है, फुल गार्डन। सर डायग्राम बनाना है क्या? हाँ बना लो चाहो तो। मान लो जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है, वो वैसे सर्कुलर बनता है, चलो मान लो इसे, ये जॉगिंग ट्रैक है, ये वाला पोर्शन जो है वो जॉगिंग के लिए काम आ गया, मान लो ये वाला पोर्शन फ्लावर्स के लिए काम आ गया, और फिर पूछा क्या उसने, ओपन लैंड, ये वाला हमें निकालना है, ये ओपन लैंड है, इसका फ्रैक्शन हमें निकालना है, और ये है फ्लावर्स के लिए, पहला वाला फ्लावर्स के लिए, तो फ्लावर्स के लिए जो फ्रैक्शन यूज हुआ है वो हुआ है 1/5। और ये बीच वाला जो काम आया है जॉगिंग ट्रैक के लिए, और वो उसका फ्रैक्शन दे रखा है 2/7। तो टोटल अगर गार्डन को वन मानते हो हमेशा की तरह, तो ओपन लैंड का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? टोटल वन मान रहे हो, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, बचा हुआ आ जाएगा ना, टोटल अगर वन है, एक पता है दूसरा बचा तीसरा नहीं पता है, तो टोटल में से दोनों माइनस कर दो, तो 1/5 प्लस देने वाला है 2/7। सॉल्व करोगे से 1-5 और 7 का 35 आने वाला है, इसे सॉल्व करोगे तो ये 7 और 10 देगा, ये 17 देगा आपको, इसे फिर से सॉल्व करोगे तो 18/35 आएगा। अब वो कैसे आया है, क्यों आया है, वो सब आपके ऊपर से चला गया है, वो तो मुझे पता है, आपके सर के ऊपर से चला गया सब कुछ, तो जाओ पहले रिकॉर्डिंग चेक करके आओ, ठीक है ना, डेली बेसिस पे जो पढ़ाया है क्लास में उसका रिवीजन भी करना होता है और होमवर्क भी करना होता है, नहीं होता आप लोगों से तो फिर देखते रहो बस, मूवी चल रही सामने। नेक्स्ट चैप्टर वो होगा हमारा डेसिमल्स शुरू, इस रिकॉर्डिंग को करते हैं एंड।